अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। दुर्गा के चरणों में ये जो समाधि है अंबा की है। अंबा अनंतपुर गांव की एक महान आत्मा थी जिसने इंसानियत सच्चाई और न्याय की खातिर अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज के दिन अनंतपुर गांव के लोग, जिसका नाम अब अंबापुरी है, अंबा की समाधि पर अपनी श्रद्धा और प्यार के फूल चढ़ाने आते हैं। दुर्गा को प्रणाम कर। मुझे क्या था ना सवेरे सवेरे शराब पी गई। सुहागन रहो तू तो नहाओ तू तो फलो। राजा आया मां। Thank you.
मीता जय हो मांबा, आखिर बरसात के वक्त आ ही गया। आज बड़ा खुश है रे तू भीखो। अरे खुशी का बतिया है माँ, ये देखो इस साल खेत में टमाटर गदरा के हुए हैं। अरे गीता, कच्चे कच्चे टमाटर बीन डाल। बापू हमका घर में बहुत काम पड़ा है, सब्जी भाजी काटनी है, चूल्हा चौका लीपना है, बर्तन भांडे मांजने हैं, तुहार काम तू खुद ही कर। देखा माँ, तुम्हारे लाड प्यार ने इस छोकरे का दिमाग खराब कर दिया है, हमारी तो को बतिया नहीं सुन। आ रही हूँ काली, आ रही हूँ, तुझे भूली नहीं। दादी दादी, सूर्य चाचा का प्रसाद देना। पर तेरा निखट्टू चाचा है कहाँ? जीते रहो, खुदा की कसम क्या चीते जैसे फुर्ती पाई है। अबे चीते के सगे गेंडे, इस शेर की आधी मूंछ को काट दी। अब तुम अखाड़े में तो उतरते नहीं, लाओ तुम्हारी दूसरी तरफ के भी मुड़ दूं। अरे क्या लोंडियों की तरह वार कर रहे हो, चारों तरफ से हमला करो दुश्मनों की तरह। अरे ओ लकड़ी पहलवान, चारों तरफ से दुश्मनों की तरह हमला हो गया तो यहीं पे ढेर हो जाएगा। लाठी के दम पे बड़ा ऐंठता फिरे है, बदन में तो जरा भी दम नहीं। मेरे बदन में कितना दम है वो तुम्हें तुझे वक्त आने पर बता दूंगा। अभी तू चुपचाप यहाँ से छूमंतर हो जा। क्यों हो जाओ छूमंतर? यहाँ पे क्या तेरे अकेले का राज है? लठ लेके अपने प्यादों के साथ दिन भर खेलता ही रहता है और अपने आप को बड़ा मर्द समझता है। लल्लू कहीं का। क्या बोली? मैं लल्लू? लल्लू है तेरा बाप। छोड़ मेरा हाथ। सरजू छोड़ ना, मुझे देर हो रही है, बापू घर पे मट्ठे के लिए बैठा होगा। अरे बैठा रहने दे उस बदमानूस को, तेरे इस मट्ठे का तो मैं यही बारा नियारा किए देता हूँ। अरे सरजू नहीं, छोड़। अरे कोई तो बचाओ मेरे मट्ठे को। अरे छोड़ ना। अरे लुटेरे ने लूट लिया मुझे। आग लगे तेरे मुंह में, तुझे हैदा हो जाए। क्यों रे आदमखोर, तूने मेरी लौंडिया की हंडिया क्यों फोड़ी? शुक्र कर मुनीम, मैंने तेरी लौंडिया की सिर्फ हंडिया ही फोड़ी है। पूछ इसे, पूछ इसका दिन दहाड़े इस अखाड़े में क्या काम है? ये यहाँ क्यों आई? मैं कैसे न्योते देने गया था? खिलंदड़ी हमेशा मर्दों के उठक पटक में दखल देती रहती है। अरे ये सुसरी भी तो बिना तेरे मुंह लगे बाहर नहीं आती। यहाँ क्यों आई बता, तू यहाँ क्यों आई थी? मैं तो मट्ठा लेके चुपचाप घर जा रही थी और ये छठा बदमाश मेरे रास्ते में आ गया, मुझसे मेरा मट्ठा छीन के पी गया कंबक्त। और मेरी हंडिया भी फोड़ दी, मैं क्या करूं? ना मुन्ना, ना मुन्ना, ना। अरे तूने तो मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है गजकरण। हमेशा माँ अम्बा के लिहाज के मारे में दम भर जाता हूँ, वरना तेरी काली करतूतों का तो एक मिनट में गला घोट दूं मैं। जमींदार से कहकर तेरा अखाड़ा ही बंद करवा दूं मैं। हाँ अबे जा जमींदार के खटमल, तू हमारा अखाड़ा क्या बंद करवाएगा? अरे वो सराफत के दुश्मन गांव के कसाई, तुझे देख लूंगा मैं। चल। अरे जा रहा है आराम गांव के गंदे नाले। अरे ये आ गए आके परमात क्या कर क्या। पाय लागू पति जी। राजा जीते रहा, हम तुम्हें तुम्हारी सालगिरह की बधाई देने आए हैं। जीजा जी जन्म भाई, जय हो।
राजा बाबू की जय हो। नाना जी और मामा जी की भी जय हो। जय हो जय हो, छोटे कुंवर की भी जय हो। जय हो जय हो। आई पहली। अच्छा आशीर्वाद भी देते हैं। चलो चलिए पधारिए सिंधु जी। बेटे की सालगिरह मुबारक हो संभा। आपको भी पिराजी। जय हो माँ जय हो। अरे आज भी हर साल की तरह हम जमाई राजा की सालगिरह अपनी हवेली पर बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप भी इस जश्न में शामिल हों। हमें भी इस जश्न में शामिल होकर बहुत खुशी होगी। पायलागू जमीन डाल चुके हैं। खुश रहो खुश रहो। लीजिए पिताजी। प्रभा बेटी तुम हमेशा भूल जाती हो, बेटी का बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता। तभी तो बड़े मालिक हम आप ही के घर से शरबत बनवा कर लाए हैं। कहो गुरु आनंद में तो हो? आनंद तो आज शाम को आएगा सरजू उस्ताद। क्यों क्या हो रहा? जीजा जी की सालगिरह की खुशी में आज हमने बनारस से खास तौर पे मुन्नी बाई को बुलवाया है। मुन्नी बाई बनारस वाली? सच्ची? हाँ यार, इस बाकी नटनिया को देखने और सुनने के लिए मैं बरसों से तरस रहा हूँ। मुन्नी बाई। करे प्यारे यार मेरे सारे
मुश्किल है अब गुजारा, मुश्किल है अब गुजारा, मैं रह गया कमारा। तेरे वारे ने मारा, तेरे वारे ने मारा, तेरे वारे ने मारा, तेरे वारे ने मारा। सुन मेरी शहजादी सबकी हो गई शादी। उसके एक इशारे पर तो मैं अपनी जान भी निछावर कर दूं। जान क्या? तो फिर जा मर, यहाँ क्यों बैठा है? जा ना। तो अरे उसकी गोद में। हाँ मैं भी आज ही अपने बापू से कह दूंगी कि जल्द से जल्द मेरी शादी राम मूर्ति पहलवान से कर दे। हाँ अरे वो तेरा ब्याह क्या कराएगा? तेरा बाप तो अपनी शादी नहीं कर सका था, वो तो मेरी माँ ने करवा दी थी तरस खाकर उस काट के उल्लू पर। देख मेरे बापू के बारे में कुछ ना बोल वरना अच्छा नहीं होगा। अरे क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं, एक ही तो लंगूर है इस गांव में, साला बूढ़ा घूसट। अरे अरे चाचा तुम बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। लेकिन मुझे तेरी उम्र बड़ी छोटी लगे है सरकार के हुक्म से। लड्डू खाओ चाचा, घर के हैं। पहले तो ये जूते खा, ये भी घर के हैं। घर के जूते भी मुझे खिला दोगे चाचा? तो खुद क्या खाओगे? हराम खोर, हजार बार तुझे कहा है कि मेरे घर की तरफ नजर मत करना। चाचा मेरे घर में चाचा मेरा ही माल खा रहा है और ऊपर जा और ऊपर से, अरे ऊपर से मेरी मेरी लौंडिया में डोरे डाल रहा है। अरे डोरे तो तुम्हारी लौंडिया डाल रही है मुझ पर, ले संभाल इसे। अरे रुक मत चल चाचा। अरे रुक रुक जा तेरी तो। अरे रुक जा तू, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गांव के सांड। अरे रुक, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जमींदार के टट्टू। अच्छा अच्छा, अरे आज तो मैं तेरा इलाज करके रहूंगा। अरे पहले अपना बुखार तो उतार गांव के। मलेरिया छाता देखो। अरे रुको भाई, अरे तेरा छाता लेके जा। Thank you.
चाचा लाठी को तो तेल पिला दिया, कुछ अपना भी तो सोचो। अरे चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। पता नहीं माँ रात से मेरे गले में खिचखिच सी हो रही है। दादी मेरे गले रात दोनों में खिचखिच हो रही है। तुम चाचा भतीजा दोनों बहुत शरारती हो। लो मुंह खोलो। क्या है रे सूरज? कुछ नहीं भैया, वो भैया मुझे कुछ। क्या कुछ? बाबा चाचा को कुछ पैसे चाहिए, दे दो ना। चाचा के वकील तेरा चाचा गूंगा है क्या? क्यों चाहिए पैसे? भैया मुझे मंडी से नहीं लाठियां खरीदनी है। चुप, कोई लाठी बाटी नहीं, किसी दिन अपना सर फुड़वाएगा किसी से। ऐसे भी क्या है जी, क्यों थोड़े से पैसों के लिए मेरे देवर जी का दिल दुखाते हो? ये लो। क्यों देवर जी का दिल? भाभी जिंदाबाद। तुमने इसे बिगाड़ रखा है बाबा। और तुमने मुझे जय हो माँ अम्बा की। आओ भीकू बैठो। गीता अपने बापू को ताजा मट्ठा पिला। अरे नहीं माँ नहीं, आज तुम्हारे पेट वैसे ही खुशी से भरा है। गीता के ससुराल वाले काल इसका शगुन मांगने आ रहे हैं। अच्छा हाँ। तो अपनी गीता जल्दी पराई हो जाएगी। नहीं माँ नहीं, हम तो कछोड़ कहीं नहीं जाएंगे। पगली कहीं की, बेटी तो होती ही है पराया धन, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। भीकू भगवान ने मुझे बेटे तो दिए, पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी अपनी एक बेटी होती, सो गीता मुझे मिल गई। तुझे बुरा ना लगे तो गीता का कन्यादान मुझे करने दे। माँ तुमने हम लोगों के खातिर इतना किया है, इतना किया है कि सात जन्म तक हम तुम्हारी कर्जा नहीं चुका सके। तोरे हाथ से अगर एक कन्यादान हो जाई तो हमार और ये गरीब के बेटी का लोक परलोक सुधर जाए। नहीं रे, लोक परलोक तो मेरा सुधरेगा। यौवा के आरी आरी मारे पिचकारी, गौना ले जा राजा जी, गौना ले जा राजा जी, मोरी चढ़ ली जवानी, गौना ले जा राजा जी। ओ गेहुआ के आरी आरी मारे पिचकारी, गौना ले जा रा। ए? कौन है भाई? गेहुआ के आरी आरी मारे पिचकारी, गौना ले। अरे ओ लंगूर की औलाद, सामने से मारना, पीछे से क्यों वार कर रही है? जाजा पैसे के भाई। क्या बोली तू? क्या बोली? लंगूर की बहन। अरे ओ लकड़ी पहलवान, बेर भी नहीं झेले जाते। अब मार के दिखा निशाने बाजनी। मार मार के छलनी कर दूंगी मर्दुए। राम कसम एक भी पैर नहीं लगने दूंगा अपने बदन पर। और अगर लग गया तो? लाठी चलाना छोड़ दूंगा तेरी कसम। पर एक बात मेरी भी सुन ले, अगर तू बेर ना मार सकी तो जो मैं चाहूंगा वो तू मुझे करने देगी। मंजूर? मंजूर। तो फिर चल उतर मैदान में।
चल मार मार केले। चल चल ये ले। क्यों बेल खत्म? मुखोल मुखोल आधा बेर तुम खाओगे और आधा बेर हम खाएंगे। अरे ठाकुर साहब आगे। नमस्कार। गांव वासियों, हर साल की तरह इस साल भी गांव अनंतपुर और बाकी के 10 गांव के पंचों ने सर्वसम्मति से आदरणीय ठाकुर जसवीर सिंह जी को ही अपना सरपंच चुना है। ठाकुर जसवीर सिंह की जय। 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 अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तो पहले बोलना था कि ठाकुर साहब सरकार दुहाई है, सरकार दुहाई है। सरकार मेरी ऐसी बेइज्जती क्यों की जा रही है? मालिक मेरा क्या कसूर है? तूने हमारे साथ गद्दारी की है। गद्दारी आपके साथ और मैंने? हाँ तूने। हमने रघुनाथ की जमीन अपने कब्जे में ले ली थी क्योंकि हमें उस जमीन पर अपने जानवरों के लिए तालाब बनवाना था और तूने भरी पंचायत में हमारे खिलाफ गवाही दी। लेकिन सरकार सच में है तो वो जमीन रघु की ही। सच सच सच। अरे अरन, इस गांव में सच वो है जो हम कहते हैं। लेकिन पंचायत में झूठ बोलकर मैं अपनी आत्मा की हत्या कैसे करता? भरी पंचायत में इस पगड़ी की बेइज्जती कैसे कराता? मालिक तेरी पगड़ी की इज्जत तो हम करते हैं। उतार दो इसके पगड़े। नहीं मालिक, मुझे जाहे से मार दो, मुझे जिंदा करवा दो, मगर मेरी बेइज्जती मत करवा मालिक। सुनो गांव वालों सुनो, लगातार तीसरे साल हमारे गांव अनंतपुर के सूरज ने रामपुर के मशहूर लठैत राममूर्ति को लाठी के दंगल में हराकर पहला इनाम जीता है। सरजू उस्ताद की जय। सरजू उस्ताद की जय। सरजू उस्ताद की जय। बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, बोला बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, बड़े चमके कोई पूछे। छगो उस्ताद छगो, जी भर के छगो, अल्लाह की कसम आज जी खुश कर दिया तुमने। अरे राम मूर्ति की चतुराई को पानी पिला दिया गुरु ने। अरे माँ अम्बा का बेटा है, साक्षात दुर्गा का शेर है मेरा सरजू। अरे क्यों नहीं इसी बात पर एक और हो जाए। एक बात पल्ले नहीं पड़ी गुरु कि लाजो परछाई की तरह तो पीछे पड़ी रहती है तुम्हारे, लेकिन आज दंगल में वावा कर रही थी राम मूर्ति की। अरे वो क्या है हरिया, उसका बाप जो है वो जमींदार का हुक्का है, तो सुसरी बेटी चिलमची होगी कि नहीं? होगी। तू यहाँ क्या करने आई है? जा रामपुर गांव जा,
और राम मूर्ति के घाव पर हल्दी गुड़ लगा जाकर? उसके घाव पर गुड़ लगाए मेरा ठेंगा, मैं तो तुझे गुड़ खिलाने आई हूँ। अरे जा दोगली, दंगल में तो उछल उछल के शह दे रही थी उस राम मूर्ति को, दे रही थी कि नहीं? वो तो मैं तुझे जलाने के लिए कर रही थी ताकि तू और जोर लगाए और दंगल जीत जाए। अरे यारो, ओ यारो, इन्हें मेरी जीत की कामना थी। हाँ थी। थी तो ये साबित करने के लिए तुम्हें इम्तिहान देना पड़ेगा। इम्तिहान? ये भांग का प्याला पीना होगा। भांग? हाँ। अरे पी गई यार, पी गई, अरे पी गई। बम बम भोले, लगा रगड़ा ओ लगा रगड़ा तो मिट गया झगड़ा के तेरा मेरा मेल हो गया। ओ लगा रगड़ा तो मिट गया झगड़ा के तेरा मेरा मेल हो गया। होता मैं खामोश नहीं।
लगा रगड़ा तो मिट गया झगड़ा के तेरा मेरा मेल हो गया गर्मा गर्म खाना मुझे भी दे दे माँ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। हर चीज में उतावली करता है। हाथ धोए तूने? चलो हाथ पांव धो के आ, खाना खाने बैठ गया ऐसे ही। खाने के बाद हाथ धोलूंगा ना माँ। मेरे चौके में बिना हाथ पांव धोए रोटी नहीं मिलती। चलो धोले सूरज, वरना खाने से हाथ धोने पड़ेंगे। दुहाई है, अरे दुहाई है माँ, दुहाई है, दुहाई है माँ, माँ माँ मेरी रक्षा करो। क्या हुआ मुनीम जी? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ, तुम्हारे इस कपूत ने तो मेरा जीना दुभर कर दिया है। आज तक गांव में हड़दम मचाता था, मैं तुम्हारे लिहाज के मारे तम भर जाता था, लेकिन आज पानी सर लांग गया। पर ऐसा क्या किया है सूरज ने? अरे तुम्हारे इस कालिया नाग ने आज मेरी लाजो को डस लिया। देखी देखी इसकी हालत देखी, अरे बिल्कुल चुड़ैल लग रही है चुड़ैल। अरे चुप कर, तन मन की सुध नहीं है इसे, और इसकी ये दशा इस दुष्ट ने अपने लौंडे लपाड़ों के साथ भंग पिलाकर की है। अरे माँ अब तुम ही बताओ कौन ब्याह करेगा इसके साथ। अरे अपने छोरे को समझाओ वरना मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। माँ माफी दे दे, फिर ऐसा नहीं होगा। माफी मांग नीलकंठ से और चुपचाप वहां कान पकड़ कर रुक रुक बैठ जा। सूरज सुना नहीं मैंने क्या कहा? कुकरू कुकू। अरे चुप कर। अब आ गया तुम, ताकि मैं भी इस बावली को घर ले जाऊं और उस पर ठंडा पानी डालूं। खैर नीलकंठ मुंह मीठा करके जाओ। बस माँ तुमने पॉपी को सजा दे दी, मेरा मुंह मीठा हो गया। खीर जीती रहो बेटी, धीरे बेटा धीरे धीरे। क्या खीर बनी है। अच्छा केसर भी डला है। गधे की औलाद, उल्लू के पट्टे मुनीम, भूखा मरवा दिया सारे। अगर तेरी रोटी भी हराम नहीं की तो मेरा नाम भी सूरज नहीं, अंधेरा खानूंगा सारे तेरे घर में। चाचा चाचा तुम्हारे लिए खीर और पूरी लाऊं? अरे जियो मेरे शेर। अरे लगता माँ आ रही है, तू जाके चुप जा, वहां जाके चुप जा। नर्क में जाएगा ये मुनीम का बच्चा, सामने रखी हुई रोटी हटवा दी। लो देवर जी जल्दी से खा लो, बहुत भूखे हो गए। अब क्या बताएं भाभी, अरे मर गए। छिप जाओ भाभी छिप जाओ, मार ही है। सरजू भैया खाना खाए लो। वहां कहां है? सो रही है। ओ, तो ठीक है। जा 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 चुप जा चुप जा चुप जा। सूरज
कुछ खाया तूने? तुमने हुक्म दिया कि आज मुझे रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हारे हुक्म के खिलाफ तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा चलो आ जाओ तुम सब बाहर अपनी अपनी थालियां लेकर। कितना प्यार करते हैं ये सब तुझे, और तू है कि सारा दिन मटर गश्ती करता रहता है, क्यों करता है ये सब? चल बैठ। तूने खाया मां? तुझे भूखा रखकर मैं खा सकती हूं कभी? मैं शहर जा रहा हूं, कुछ ना हो तुम्हारे लिए वहां से। शहर से अपने आप को सही सलामत वापस ले आना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तुम दोनों कहां जा रहे हो? हम भी तुम्हारे साथ शहर चलेंगे भैया, कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? चाचा और मैं शहर में नौटंकी देखने जा रहे हैं। कोई नौटंकी वोटंकी नहीं देखेगा ये। नौटंकी नहीं, राजा मंडी जा रहा है तो घर का काम काज कौन देखेगा? मगर मां, चल बाहर जाके मुंशी जी से हिसाब किताब ले, और फिर भीकू के संग जाकर गन्ने के खेतों में पानी लगवा, समझा? रजत तुझे जाना है तो तू जाना अपने बाबा के साथ। मैं चाचा का अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ठीक है तो फिर तू यही रह। मैं जा रही हूँ नानी यशोदा के यहाँ, इस पे नजर रखना। जी माँ जी। चल राजा। आया माँ। राजा मंडी जा ही रहा है उगराने के लिए, तो पूरन दर्जी और लालचंद सुनार के यहाँ से गीता की शादी के जोड़ा और गहने लेते आना। अच्छा माँ। अब तुम मेरे नजर बंद हो, बोलो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? सुलूक? छोड़ दिया जाए या? जी बताता हूँ सुलूक। तुम्हारा नजर बंद हूँ मैं। रुक जा भाभी, कहाँ भागोगी? अब बोलो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? माँ जी। पाँव दबा दो चाचा, थक गए होगे। मखौल उड़ाता पाजी, क्या मुंशी से हिसाब ले और भीकू के संग जाकर गन्ने के खेतों में पानी लगवा। अच्छा चाचा। माँ मेरी रोटी खेत पर भिजवा देना। जा जा भिजवा देंगे। अरे मेरी चुन्नु मुन्नु चाचा, खेत पे जा रहा है अपना मुन्ना। क्या बात है भाभी, आज ये गोबर गणेश बनकर क्यों बैठा हुआ है? अभी तक बाजी ने रोटी नहीं दी क्या इसे? अरे मैं तो भूल ही गई, बंसी के बाग से तोड़ के लाई हूँ तेरे लिए, ले खा ले पेटू। अरे देख लो भाभी कितना ना सुकरा है ये, इस नासपीटी के लिए मैं अपने बाप के गाली गलौज सुनूं, मार खाऊं, बाग से चोरी करूं, और ये अपने फटे हुए मुंह से दो मीठे बोल नहीं बोल सकता मुझसे, उल्टा वार करता है वार। वार तो अब मैं करूंगा बतौड़ी, जले पर निमक छिड़क दिए तेरे तो। अच्छा भाभी अच्छा। पकड़ेगा चले, पकड़ के दिखा, पकड़ कर पकड़ दिया। नहीं पकड़ सकूंगा। आदाब से ठाकुर साहब। आओ बन्ने आओ। शहर आया था, सोचा हुजूर के दीदार करता चलूं। और सुनाओ गांव में तो सब ठीक ठाक है ना? अब क्या बताएं हुजूर, जब से आपने गांव छोड़ा है वो महफिलें वो जलसे वो मुजरे सब हवा हो गए।
अब हम गांव जाएं भी तो किस मुंह से बनने। तुम तो जानते ही हो कि ठाकुर जसवीर सिंह ने अपनी बेटी प्रभा से हमारी मंगनी ये कहकर तोड़ दी कि हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारी बेटी अंबा के बेटे राजेंद्र को चाहती है, और जब हम ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके तो हम खुद प्रभा से मिलने के लिए गए। प्रभा देवी, हम जानना चाहते हैं कि हम में क्या कमी है। हमारे पास दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है, इसके बावजूद आपने अंबा के बेटे राजेंद्र को पसंद किया, क्यों? आखिर उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं? संस्कार। तो क्या हमारे कोई संस्कार नहीं? आपके संस्कारों को दौलत की कीमत लग गई है, अब वो संस्कार नहीं रह गए, शराब और अय्याशी की दलदल बनकर रह गए हैं। इन सारे पुरानी बातों को भूल जाइए ठाकुर साहब, मेरी मानिए, शादी कर लीजिए। बंदे मियां, सुहाग रात तो हम यहां रोज ही मनाते हैं, लेकिन जो चोट उस घमंडी औरत ने हमें पहुंचाई है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आदाब है ठाकुर साहब। कलिया खूब चुन चुन कर लाती हूँ गुलाबी भाई। आपकी खिदमत करना इस बंदी का पेशा है हुजूर। मुन्नी भाई कहाँ है? अपने कमरे में हुजूर का इंतजार कर रही होंगी। वाह, क्या बात है। वैसे गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती है मुन्नी भाई। जाइए, ये चिकनी चुपड़ी बातें हीरा भाई को ही सुनाइए जाकर। हीरा भाई, क्या कह रही हो? कौन हीरा भाई? पर जाई कहीं के झूठ मत बोलिए, पिछले शनिवार आपने हीरा भाई के यहाँ रात नहीं गुजारी, उसके तबलची ने मुझे सब बता दिया है। जल गई। इसका मतलब तुम सचमुच हमें चाहती हो। अरे अम्बा, इतना सुंदर शादी का जोड़ा तो मुझे अपने ब्याह पर भी नहीं मिला था। सच्ची बहुत सुंदर जोड़ा है। सब तुम्हारा आशीर्वाद है नानी। हम का बुलाए रहे माँ? देख तो भीकू, ये गीता के ब्याह का जोड़ा और गहने हैं, ठीक है ना? ये इतना कुल करे का काजर होत रही माँ? अरे एक बेटी ही तो ब्याहनी है, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, धूमधाम से शादी करूंगी अपनी गीता की। लो नानी माँ। गीता जी, ये देखो तुम्हारी शादी का जोड़ा और गहने। का इस सब हमारे? हम तो इनका आज ही पहनकर रामलीला में जाएंगे। अरे बावली, ये तेरे ब्याह का जोड़ा है, इसे ब्याह में ही पहनना। तो फिर हमारा ब्याह आज ही कराए दो, हम तो इनका आज ही पहनेंगे। भगवान, बेशरम बुरा गई है का? बड़े लोगों के सामने ऐसे बात करते हैं? तो जाओ, हमें नहीं करनी शादी वादी। नहीं सीते नहीं, राजमहलों में पली जनक नंदिनी वनवास के दुखों को कभी झेल नहीं सकेगी, भूख और प्यास से सारे आदर्श टूटकर बिखर जाएंगे। भूख और प्यास के डर से अपने आदर्शों से गिर जाने वाली सीता को राम की पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं नाथ। कठिन रास्तों पर चलते चलते
तुम थक जाओगी सीते, पथरीली धरती पर सोते समय तुम्हारे कोमल अंग कर्रा उठेंगे। स्त्री वो शक्ति है जो घर को स्वर्ग और आंगन को फुलवारी बना देती है। विश्वास कीजिए रघुकुल तिलक, सीता जंगल को भी मंगल बना देगी। असनुकंद फल मूल एक सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। हंस गवानी तुम नहीं बन दो। मैं भी अपनी शादी का जोड़ा पहन कर आती हूँ। आपका बयान मैंने लिख लिया है, आप यहां दस्तखत कर दीजिए।
सात पीढ़ियों से ये सर किसी के सामने नहीं झुका समधन, लेकिन आज आज मैं जसवीर सिंह अपनी पगड़ी, अपने पुरखों की इज्जत तुम्हारे पैरों में रखकर तुमसे अपनी बेटी के सुहाग की भीख मांगता हूं। गलती किससे नहीं होती समधन, हमने सारा इंतजाम कर लिया है, बस तुम्हारा बयान ही प्रभा के सुहाग को बचा सकता है। माँ जी, आपने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया था सदा सुहागन रहो, मेरे सुहाग को बचा लो माँ जी, मेरे सुहाग को बचा लो, इसके सर पर बाप की छाया रहने दो माँ जी, नहीं तो ये मुरझा जाएगा। तो आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी, आपके पाँव पड़ती हूँ, बचा लो माँ जी, मेरे सुहाग को बचा लो। खुशी जा लाडो पी के नगरिया, कह भीगी अखिया हमार, भूली मत जइया तू बाबुल के सुधिया, फिनो लौटी अइहा ई द्वार। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुलजिम ठाकुर राजेंद्र सिंह वल ठाकुर भानु प्रताप सिंह, गांव अनंतपुर पर इंडियन पैनल कोर्ट की दफा 376 के तहत अपने नौकरानी गीता यादव के साथ बलात्कार करने की कोशिश और इंडियन पैनल कोर्ट की दफा 302 के तहत अपने नौकरानी को कत्ल करने का इल्जाम है। योर ऑनर, थाना अनंतपुर के दरोगा की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम राजेंद्र सिंह के इन संगीन गुनाहों की सिर्फ एक चश्मदीद गवाह है और वो है मुलजिम की मां श्रीमती अंबा देवी। श्रीमती अंबा देवी ने खुद मुलजिम राजेंद्र सिंह को पुलिस के हवाले किया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। अंबा देवी,
सरकारी वकील ने जो पुलिस की रिपोर्ट अभी अदालत में पढ़ी है उसके बारे में आपको जो कहना है यहां आकर कहिए। मैं गीता की सौगंध खा के कहती हूं जो कहूंगी सच कहूंगी। मेरे बेटे राजेंद्र सिंह ने गीता की हत्या की है। मुजरिम राजेंद्र सिंह वल्ल ठाकुर भानु प्रताप सिंह के वैश्याना जुर्म की वाहिद एक चश्मदीद गवाह मुजरिम की मां श्रीमती अंबा देवी के बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम राजेंद्र सिंह को इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। बहू मत कहो मुझे, तुमने मुझे विधवा बनाया है, तुम हथियारिन हो। भाभी, मैं चाचा के पास रहूंगा, मैं दादी के पास हूँ। चाचा मुझे नहीं जाने, दादी मुझे नहीं जाने, छोड़ो मुझे, मैं नहीं चलूंगा, छोड़ो। चाचा मुझे नहीं जाने, दादी मुझे नहीं जाने, छोड़ो मुझे, छोड़ो। Oh!
रजत बेटा दूध पी लो। मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, मैं काली गाय का दूध पीऊंगा और वो भी अपनी दादी के हाथों से। दादी के हाथों से दूध पिएगा? उस दादी के हाथों से जिसने तेरे सर से तेरे बाप का साया छीन लिया? वो तेरी दादी नहीं है बेटा, वो तेरी दुश्मन है, वो हम सबके दुश्मन है। आज के बाद कभी उस मनुष्य औरत का नाम इस घर में मत लेना बेटा, कभी मत लेना। आओ नानी। कैसी हो अम्बा? ठीक हूँ, रजत से मिलने गई थी। क्या बताऊं अम्बा, जब से वो लोग रजत को ले गए हैं, तुम्हारा पोता ना कुछ खाता है ना पीता है, दिन रात बस उसकी जबान पर एक ही रट रहती है कि काली गाय का दूध पीऊंगा दादी के हाथ से, काली गाय का दूध पीऊंगा दादी के हाथ से। मुझे यहां से ले चल दादी, मैं यहां नहीं रहना चाहता। पहले तू दूध पी ले मेरे लाल। देख, मैं काली का दूध लाई हूं तेरे लिए, ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की, अपने खून से भरे हाथों से मेरे बेटे को दूध पिलाने की? इसके बाप को तो फांसी पर लटका ही चुकी हो, अब इस पर भी जादू टोना करके मुझसे छीन लेना चाहती हो? ऐसे अपशब्द मत बोल बहू, रजत मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है, तभी तुमने इसके बाप की जान ले ली। मैंने? हाँ हाँ, तुमने, तुमने हमारे झुके हुए सर पर लात मारकर, हमारे पुरखों की इज्जत पर थूक कर हमारी बेटी के सुहाग की हत्या की है। तुमने अपनी जिद और हट के मारे हमारे दामाद को सूली पर चढ़ाया है। जो सूली पर चढ़ा वो आपका दामाद था, तो वो मेरा बेटा भी तो था समझी जी। खामोश! फिर कभी हमें अपना संबंध कहने की जरूरत न करना। ये संबंध राजा की चिता में जलकर राख हो चुका है, और वो चिता और उसकी आग तुमने लगाई थी। नहीं, अपनी मौत और अपनी चिता का जिम्मेदार खुद राजा था। जब भी कोई घोर पाप करता है उसे अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। जिस पल मेरे बेटे ने उस गरीब कुंवारी लड़की की हत्या की, उसी पल उसने अपनी मां की ममता की भी हत्या कर दी। तो ये है कि पाप कोई करता है और उसका रोना जिंदगी भर उसके सगे ही रोते हैं। बहू, मैं अब भी विनती करती हूं, रजत को लेकर अपने घर चलो। घर? कौन सा घर? वो घर जहां से मेरे पति की अर्थी निकली, वो घर जहां से मेरे सुहाग की चूड़ियां टूटी, वो घर नहीं शमशान घाट है। अरे बहू, तेरा सुहाग लुटा है, तेरी मांग सुनी हुई है, तो मेरी कोख भी तो सुनी हुई है, मेरी ममता भी तो बेमौत मरी है। लेकिन कुदरत के फैसले के सामने हम सबको शीश झुकाना चाहिए। शीश तुम झुकाओ जाकर अपने घर में, हमारा सर न किसी के सामने झुका है न कभी झुकेगा। पिताजी ने बहुत बड़ी भूल की थी तुम्हारे सामने झुक कर, वो नहीं जानते थे कि तुम क्या हो। अब निकल जाओ हमारे घर से, हमारे घर में खूनी और कातलों के लिए कोई जगह नहीं। मैं कहता हूं निकल जाओ। रणधीर, तूने मेरी मां पर हाथ उठाया, मेरी मां पर हाथ उठाया,
मां कसम मैं तेरे हाथ तोड़ कर रहूंगा कमीने कुत्ते। तूने मेरी मां पर हाथ उठाया हा? सूरज, ठाकुर साहब इसे माफ कर दीजिए। सूरज छोड़ दे तुझे मेरी कसम। सूरज मेरा कसूर था कि मैं यहाँ आई। इन लोगों को कोई दोष नहीं है। चल बेटा कर चल कर चल सूरज। वो बदचलन और बदकमाश तो तुम्हें छोड़कर चला गया प्रभा, लेकिन हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सुनो 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 गांव वालों, आज अनंतपुर और उसके 10 गांव के सरपंच का चुनाव होने वाला है, इसलिए दिन के तीसरे पहर गांव की चौपाल में सब लोग इकट्ठे हो जाएं। अरे भैया इस साल भी अपना कुर्ता पाजामा टोपी और 5 शेर गुड़ पक्का है। वो कैसे बने खा? अरे भाई ठाकुर जसवीर सिंह के अलावा अनंतपुर का सरपंच और कौन बन सकता है? अरे ठाकुर साहब आगे, ठाकुर साहब आगे। नमस्ते गांव वासियों, अनंतपुर और उसके 10 गांव की जनता के पुरजोर अनुरोध को ध्यान में रखते हुए गांव अनंतपुर और बाकी के 10 गांव के पंचों ने इस साल सर्वसम्मति से मां अंबा को अपना सरपंच चुना है। पंचों ने भूल की है, मैं अनपढ़ गवार सरपंच बनने के लायक नहीं हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ सरपंच की जिम्मेदारी आप ही संभालिए। दिन हमारे गांव के लिए सबसे बड़ा शुभ दिन है। वैसे तो हर साल ही मां अंबा गांव के मंदिर में दुर्गा माता का जगराता करवाती है, लेकिन आज हमारी सरपंच बनकर मां दुर्गा का जगराता कराएगी। मां अंबा की जय। मां अंबा की जय। अपनी बहन की चूड़ियां टूटने का तमाशा तो देख ही चुके थे, अब अपने बाप की इज्जत को हथियारी अंबा के पैरों तले पिसता भी देखा है। शाबाश मेरे वीर शाबाश। मुझे तेरी ये सुनी मांग की सौगंध है, मैं अंबा की हस्ती को हमेशा के लिए मिटा दूंगा।
रणवीर, अंबा को इतनी आसान मौत मत मारो। उसने सारे गांव के सामने हमारा सर नीचा किया है, उसे तिल तिल करके मारना है। अंबा को तिल तिल करके मारना है। 84 घंटे वाली माता सफल हो जाता है, आज माता का जगराता है। सफल हो जाता है, जन्म सफल हो जाता है, माता का जगराता है, आज माता का जगराता है।
सरजू भैया हवेली में आग लग गई। हाँ हवेली में आग लग गई। हवेली में आग लग गई। हाँ अम्बा तेरी हवेली में आग लग गई। दरोगा जी, ये क्या तमाशा है? दरोगा जी, मैंने इस हरामखोर को सबके सामने मेरी हवेली में रंगे हाथों आग लगवाते पकड़ा है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए और इस शैतान को हवालात में बंद कीजिए। हाँ हाँ दरोगा जी, इस बदमाश को भी हवालात में डालिए। सूरज, रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह 10 बजे तुम सब चश्मदीद गवाहों को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं उनका बयान लेकर कानूनी कार्रवाई करूंगा। घबराओ मत सूरज, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। चलो। ये आपने क्या किया छोटे ठाकुर? इन नमक हरामों की इतनी जरूरत कि मेरे बेटे की मुश्किल बांध कर उसे थाने ले जाएं? एक एक के घर में आग लगा दूंगा। ठाकुर साहब, कल तक के लिए मैंने कानूनी कार्रवाई टाल दी है, लेकिन कल अगर सब चश्मदीद गवाहों ने गवाही दे दी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। गवाहों की तुम चिंता मत करो दरोगा, हम सबका मुंह बंद कर देंगे। लेकिन हरिहरन का मुंह कैसे बंद करेंगे? वो भी आया था, कल वो भी गवाही देगा। वो गवाही नहीं देगा, हरिहरन कल गवाही नहीं देगा। बुड्ढे, अगर तूने जबान खोली तो मैं तेरी जबान काट कर गांव के कुत्तों को खिला दूंगा। चलो। हाँ तो सूरज, कौन कौन है तुम्हारे चश्मदीद गवाह जिन्होंने कुंवर रणवीर सिंह को तुम्हारी हवेली में आग लगवाते हुए देखा? इन सब ने देखा दरोगा जी, ये नथू, ये हरिया, ये पांडे। बोलो रे, क्या देखा था तुम लोगों ने? हाँ बताओ इनको। अरे बोलो, आप लोग बताते क्यों नहीं? अरे बताओ इन लोगों को, अरे बताओ कि तुम लोगों ने रणवीर को देखा मेरा घर चलाते हुए, बताओ। मैंने देखा था, मैंने इस मर्दूद रणवीर को सरजू के घर को आग लगवाते देखा था दरोगा जी। अरे देखा तो इन सब ने भी था, मगर ठाकुरों के डर और जुल्म के मारे इन सब के मुंह को लकवा मार गया। अरे खामोश नमक हराम, ये झूठ बोल रही है दरोगा साहब। इसके बयान पे आप ध्यान मत देना, ये तो पागल पगली है, बावली है, अपना भला बुरा नहीं सोच सकता। बापू शर्म करो। ये है कि कल रात को ये अपने घर से निकली ही नहीं थी। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात मानिए। नहीं। अरे चल, अरे चल, मैं कहता हूँ। मैंने देखा। आप इसकी बात ध्यान मत देना। किसी ने आग लगवाया था दरोगा जी? सूरज, तेरा कोई और गवाह है? है दरोगा जी।
चाचा हरिहरन। तो जा हरिहरन को लेके आ। नानी चाचा हरिहरन कहाँ है? वो यहाँ गवाही देने के लिए आया। हरिहरन अब कभी नहीं आएगा बेटा। क्यों नानी क्यों? झूठ वो बोल नहीं सकता था और सच यहाँ बोलने नहीं दिया जाता। मार डाला उसे जुल्म के ठेकेदारों ने, मार डाला। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। ए सुरे, ए छोड़ दो इसे। नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं। इस बेचारे का घर जल गया है। ऐसी हालत में कोई भी आदमी अपने होशो हवास खो सकता है। बेटे सूरज, हिम्मत से काम लो। चलो बेटे। ये सब क्या हो गया अम्मा? माँ जिससे ज्यादा प्यार करती है उसकी बड़ी कठिन परीक्षा लेती है। उसकी खेल निराले है। तू दिल छोटा न कर। माँ छोटा मुंह बड़ी बात तो है। एक छोटी सी झोपड़ी है मेरी। तुम्हें कष्ट तो होगा, मेरे घर चल कर रहा हूँ। मैं माँ दुर्गा के चरणों में बैठी हूँ। इससे ज्यादा अच्छी और पवित्र जगह भला और कहाँ है? और फिर सरजू बना रहे हैं ना घर। बेटे तू यहाँ क्यों है? जा बेटे जा अपने घर जा। नहीं चाचा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपना घर बनाऊंगा और तुम्हारे और दादी के साथ नहीं रहूंगा। स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग ये हमारा है।
इस घर में अम्मा रहती है, इस घर में अम्मा रहती है। मत समझो एक मकान है ये, देवी माँ का वरदान है ये। इस बात का सबको ध्यान रहे, इस घर की ऊंची शान रहे। हमको माँ तेरा कहना चाल से भी प्यारा है।
और रणवीर आओ, बहुत दिन लगा दिए शहर में, कुछ बात बनी? बात कैसे न बनती पिताजी, आप हुक्म करें और वो काम न हो। ऐसा चमत्कार हुआ है कि अब अंबा की सारी जमीनों की मालकिन मेरी बहन प्रभा होगी। लेकिन कैसे रणवीर, अंबा की जमीनें तो सांझी हैं, उन पर सबका बराबरी का हक बनता है। बनता था कहो प्रभा, ये कानूनी शतरंज का खेल है, शह तुम दोगी, मात से अंबा को बचना होगा। बिला शक अंबा के खेतों पर उनके कुंबे के हर आदमी का बराबर का हिस्सा है, लेकिन अंबा के पति भानु प्रताप सिंह मरने से पहले अपने खेतों को अपने बड़े बेटे राजेंद्र सिंह के नाम कर गए थे, और जीजाजी के मरने के बाद उन खेतों पर अब कानूनी तौर पर तुम्हारा हक है। पर रणवीर, जहां तक मुझे मालूम है, अंबा के स्वर्गवासी पति ने तो ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। उन्होंने नहीं की तो क्या हुआ, हमने करवा दी। ये रही स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह की वसीयत। अब अंबा और सूरज इस वसीयत को झूठा या जाली साबित करते फिरे, कचहरी का मामला है, 10-20 साल लगना तो मामूली बात है। कब तक अंबा बेचारी तो जिएगी नहीं, और सूरज बूढ़ा हो जाएगा अदालत का फैसला सुनते सुनते। शाबाश रणवीर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। पर ये तुमने किया कैसे? दिमाग से, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा चाय का पानी, थोड़े से हरे नोट, बस स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह की वसीयत है यार। अब सिवाय उस बंजर जमीन के टुकड़े के जो अंबा के नाम पर है, बाकी की जमीन और फसलों को अंबा और सूरज छू तक नहीं सकते। पिताजी भूखे मरेंगे, माँ बेटा दोनों। माँ, क्या गजब गहरा के गन्ना होगा खेत में, आशीर्वाद दो, मैं कटाई करने जा रहा हूँ। सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद है बेटा, उनकी आगे माथा टेक। जय दुर्गा माँ। चाहता है तो खेत में पांव मत धरना। अबे ये खेत क्या तेरे बाप का है? तू होता कौन है मुझे मेरे ही खेत में जाने से रोकने वाला? तेरे ये खेत सिर्फ कल तक तेरे थे, आज से ये मेरी बहन प्रभा की मिल्कियत है। लगता है रणवीर आज तूने सुबह सुबह ही चढ़ा ली है। सरजू, चाय मुन्ना घर जा, शराब पीकर घोड़सवारी नहीं करते, गिर जाएगा। चलो रे, कटाई शुरू करो। अगर किसी ने भी फसल को हाथ लगाया तो वो वही ढेर कर दिया जाएगा। बलवा मेरे नहीं, एक बदमाश रणवीर ने किया, पूछ लीजिए इन सब से,
ये चंडाल मुझे मेरी फसल काटने नहीं दे रहा। पूरी फौज लेकर आया मेरी फसल को हजम करने के लिए। हवालात में बंद इसे कीजिए आप। अबे ओ, हवालात में जाए इनके दुश्मन। कुंवर रणवीर जो कर रहे हैं कानूनी तौर पर ठीक ही कर रहे हैं। अब इन खेतों पर और फसलों पर तेरा कोई हक नहीं है। हाँ कभी दरवाजा बचाइए, अब ये मार डालेगा, छोड़ मार डालेगा लौंडा। मुनीम जी क्या कह रहे हैं दरोगा जी, हमारे ही खेतों और फसलों पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है? माँ जी, ये सारे खेत और उनकी फसल आपके स्वर्गवासी पति ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपनी वसीयत में अपने बड़े लड़के राजेंद्र सिंह के नाम लिख गए थे। राजा के गुजर जाने के बाद इन सब पर उनकी विधवा श्रीमती प्रभा देवी का हक बनता है। ये सरासर झूठ है, जालसाजी है, धोखा है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी, तब तक ये खेत और फसल अदालत के कब्जे में रहेंगे। गा दो सरकारी ऐलान। किस जमीन को क्या कानून जोतने आया था? क्या अदालत ने बीज बोया था इसमें? क्या प्रभा ने एक बूंद भी पानी पिलाया था हमारी प्यासी फसलों को? ले चलो इसे थाने। नहीं नहीं दरोगा जी। अच्छा माँ, मैं ऐसे कानून को आग लगा दूंगा जो सच्चाई का गला घोटता है। ये कानूनी लुटेरे हैं, डाकू हैं। तो कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून से बड़ा है। दरोगा जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, सूरज को माफ कर दो। ये नादान है, सरफिरा है, उज्जर है, ये फिर कभी ऐसा नहीं करेगा, इसे माफ कर दो दरोगा जी। आपके कहने पे छोड़ता हूँ माँ जी, चलो। सरजू, सरजू। अपने बेटे से कहो कि आपे में रहे और उसे ये भी अच्छी तरह से समझा दो कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया करते। इससे पहले कि पाप का घड़ा भर जाए, संभल जाओ रणवीर, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नानी, तुम यहाँ कैसे? बिटिया, तुम बड़े लोग हो, ठाकुर साहब से कहने की मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन तुम औरत हो, मेरी बात सुनोगी और समझोगी भी। मैं कुछ समझी नहीं। बिटिया, अंबा और सूरज बहुत दुखी है, उनकी दशा देखी नहीं जाती। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उन्हें क्षमा कर दो बिटिया, उन्हें क्षमा कर दो। नानी, तुम्हारी उम्र के लिहाज के मारे मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अंबा और सरजू अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, ये तो शुरुआत है उनके बुरे दिनों की। अभी तो तुम देखती जाओ, पेट भरने के लिए भीख मांगेंगे दोनों माँ बेटा।
रजत, ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ गया था तू? मैं चाचा के साथ अपना खेत जोत रहा था। अपना खेत? खबरदार जो आज के बाद उन लोगों के पास गया, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ये बाज नहीं आएगा प्रभा, ये फिर उन लोगों के पास जाएगा, उन लोगों की तरह गंवार और जंगली बनेगा। चाचा दादी को गाली मत दो मामा, नहीं तो क्या हा? आंखें दिखाता। आज से तू इस घर के बाहर पैर नहीं रखेगा, ले जाओ उसे। चलो। लेकिन सरकार, खेत तो सरजू ने जोत लिया। खेत जोत गया तो क्या हुआ, मैं देखता हूं गांव में उसे खाद और बीज कौन देता है। सरजू, वापस कर दे इन लोगों के बीज। बीज वापस कर दूं? क्यों मां, ये सब लोग तो अपने हैं। अपने हैं इसीलिए तो मना कर रही हूं। मैं नहीं चाहती इनके घर भी चला दिए जाए, इनके खेत भी जब्त कर लिए जाए। वापस कर दे ये बीज। मां, मैं ये बीज वापस नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। ये बीज लौटा दे सरजू, तुझे मेरी कसम। तुम सब अपने बीज उठाओ और जाओ यहां से। हाँ, कुछ तो सेवा करने का मौका दो। नहीं गोविंद, कहीं ठाकुरों को कानों कान खबर हो गई तो तुम सब पे कह ढा देंगे वो लोग। जाओ। सरजू, अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ही दुख और यातना के मुंह में डालना पाप होता है बेटा। हाँ, ये सब तेरे अपने हैं, पराया तो सिर्फ मैं हूं तेरे लिए। मैं पराया हूं, मेरे अरमान पराए, मेरी इच्छाएं पराई हैं। तूने हर कदम पर मेरे अरमानों का गला घोटा है, मेरी इच्छाओं को कुचला है, तूने मेरी जिंदगी को जंजीरों में जकड़ दिया है मां। अरे मेरी तो कोई हस्ती ही नहीं, मैं तो तेरे लिए सिर्फ एक चलता फिरता काट का पुतला हूं, जिसे तू जब चाहे उसी तरह घुमा देती है। सरजू, ये तो क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूं। आज मुझे मालूम हुआ कि इस पत्थर की मूर्ति को पूछते पूछते तेरा दिल भी पत्थर का हो गया, तेरी ममता मर गई है, तेरे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं। अब तू रहे अकेली अपने असूलों और अपने सिद्धांतों के साथ, मैं जा रहा हूं। सरजू, मन की अंतरी टूट गया।
आसमा बस कुछ और न कहना, बस मां बस कुछ और न कहना, मुश्किल होगा ये दुख सहना, भीग गए मेरे भी नैना, भीग गए मेरे भी नैना, माफ मुझे कर दे तू हंस कर, माफ मुझे कर दे तू हंस कर, मैं असवन में डूब गया, मैं असवन बेचकर बीज लिया मंडी से। नहीं लाजो, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने खेत के कारण तेरे कंगन बेच दूं, यह पाप मुझसे नहीं होगा। कंगन मेरी है और मैं तेरी कोई नहीं, मैं पराई हूं। अरे निर्दयी, यह भेदभाव तेरे मन में कब से आ गया? तेरा दिल तो इतना छोटा कभी नहीं था रे। अरे बेईमान, तू अपनी लाजों को अपने से अलग समझता है? तू क्या सोचे बैठा था कि मैं सिर्फ तेरी हंसी मजाक, खेलने कूदने, लड़ाई झगड़े और खुशियों की साथी हूँ, ये सोचे बैठा था तू? तू है मेरे प्यार पर कि तू आज तक मुझे अपना नहीं समझ सका। डूब मरना चाहिए मुझे कि मेरा सरजू अकेले ही अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ना चाहता है। लाजो की तो उसे कोई जरूरत नहीं। लाजो, मर गई तेरी लाजो। जा सरजू, मुझे भी तेरी कसम है, अब से तेरे साथ तेरी खुशियां कभी नहीं बांटूंगी, कभी नहीं बांटूंगी। लाजो, 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 मुझे माफ कर दे। लाजो, मुझे माफ कर दे, अपने सरजू को माफ कर दे। सरजू को बीज किसने दिए? हम पूछते हैं, किसने दिए बीज सरजू को? माँ दुर्गा ने। हाँ छोटे ठाकुर, माँ दुर्गा ने दिए हैं बीज सरजू को। उसने तुम्हारा हुकुम नहीं माना। मेरी बात मानो ठाकुर, तो आग लगवा दो माँ दुर्गा के घर में भी। हाँ, फिकवा दो उसकी मूर्ति को गांव से बाहर। चलो अब गुस्सा थूक दो ठाकुर, जो होना था तो हो गया। वैसे इस साल ऐसी जोरदार फसल होगी अपने सरजू के खेत में कि तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी ठाकुर। आंखें तो हम जरूर ठंडी करेंगे, सारे गांव वालों के सामने आज तुझे नंगा। अरे हट, नंगा कर जाके अपनी बहन को। सरजू!
हाथों से तूने मेरी मां का अपमान किया, मेरे घर में आग लगाई थी, आज नाजो को सबके सामने नंगा किया, मैं तेरा ये पापी हाथ आज तोड़ता हूं। नहीं, नहीं, तूने मेरी और मेरी मां की जिंदगी को अपने पैरों तले रौंदा है, मेरी मेहनत, मेरी तकदीर को ठोकर मारी है, मैं तेरा ये पैर भी तोड़ता हूं। तुम्हारे किए एहसानों का ये इनाम लेकर आया हूं, आज मैंने गांव के इस कंस को हमेशा के लिए बेकार कर दिया है, संभालो इस जिंदा लाश को। रणवीर बेटे, बेटे क्या हुआ, क्या हुआ? तेरी कसम रणवीर, मैं सूरज को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ प्रभा जी? बकी का पहिया निकल गया। आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, आइए ना प्लीज। तकदीर ने आपके साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है प्रभा जी। इस उम्र में जिंदगी ने आपको एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिवाय तन्हाई और तड़प के और कुछ भी नहीं। ये पहाड़ जैसी जिंदगी आप अकेले नहीं काट सकेंगी, आपको एक साथी, एक हम सफर की जरूरत है जो आपको वो सारी खुशियां दे सके जो तकदीर ने आपसे छीन ली है। अगर आपको एतराज ना हो
तो मैं अभी आपका साथी, हम सफर बनने के लिए तैयार। शमशेर! प्रभा, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, जलील, कुत्ते, कमीने, आगे ना अपने औकात पर। हट जाओ मेरे सामने से, मुझे तुम जैसे हैवान की शक्ल से भी नफरत है। एक दिन तुमने मेरी तकदीर को थप्पड़ मारा था, आज मुझे मारा है, इसका भुगतान तुम्हें अभी और इसी वक्त करना होगा। इस कमीने को मत छोड़, इसने हमारे खानदान की इज्जत पे हाथ डाला है, इसे मत छोड़। मेरे काबिल दोस्त जनाब सरकारी वकील साहब ने मकतूल शमशेर सिंह के कत्ल का इल्जाम जो मेरे मुवक्किल सूरज सिंह वल ठाकुर भानु प्रताप सिंह पर लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सूरज ने शमशेर का कत्ल नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी मौत मारा गया। इसे साबित करने के लिए मेरे पास दो गवाह हैं, मुलजिम की माँ श्रीमती अम्बा देवी और मुलजिम की भाभी श्रीमती प्रभा देवी। योर ऑनर, मैं अपनी पहली गवाह श्रीमती अम्बा देवी को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अम्बा देवी, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई की सुबह सूरज सिंह ने शमशेर सिंह का कत्ल किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक आप भी वहां मौजूद थी। अब आप अदालत को बताइए कि शमशेर सिंह की मौत कैसे हुई। सूरज ने शमशेर सिंह का कत्ल नहीं किया, इसने मेरे कहने पर उस नीच को ललकारा और उसे मेरी बहू प्रभा की इज्जत लूटने से रोका। उस लड़ाई में शमशेर सिंह अपनी मौत खुद मारा गया। अब आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, अब मैं श्रीमती प्रभा देवी का बयान अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। प्रभा देवी, श्रीमती अम्बा देवी का बयान है कि उनके बेटे सूरज ने
आपकी इज्जत बचाने के लिए शमशेर सिंह को ललकारा और उस लड़ाई में शमशेर सिंह अपनी मौत खुद मारा गया। अंबा देवी का बयान झूठा है। ऑर्डर ऑर्डर। तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत यह है जज साहब कि जब मैं मंदिर से वापस लौट रही थी तो खानदानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए सूरज ने अचानक मुझ पर हमला किया। यह तो मुझे मार ही डालता, लेकिन ठाकुर शमशेर सिंह जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए सूरज को रोकने की कोशिश की और रास्ते से बाहर सूरज ने बड़ी बेरहमी से ठाकुर शमशेर सिंह को मार डाला। ये झूठ है। बहू वापस ले ले अपना झूठा बयान। झूठा बयान तो तुमने दिया है अपने बेटे सूरज की जान बचाने के लिए। मैंने झूठा बयान दिया? मैंने झूठा बयान दिया? अरे मुझे झूठा बयान देना होता तो उस दिन देती जब मेरा बड़ा बेटा राजा इसी अदालत में मुल्जिम की तरह पेश था। अगर मैंने उस दिन झूठ बोल दिया होता तो मेरा जवान बेटा भरी जवानी में ना मारा जाता, मेरा हरा भरा घर बर्बाद ना होता। तू मुझसे किस बात का बदला ले रही है बहू? अरे मारना है तो मुझे मारता, सूरज ने क्या बिगाड़ा है तेरा? क्या तेरी इज्जत को लूटने से बचाना ही इसका जुर्म है? क्या तेरे लिए इसने अपनी जान की बाजी लगा दी? यही अपराध है सूरज का? सच बोल दे प्रभा, नहीं तो संसार में भाभी देवर का रिश्ता हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। अपने क्रोध और नफरत की आग में मेरी रही सही जिंदगी को मत भूल। कह दे कि सूरज निर्दोष है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जज साहब, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आप गवाह हैं, क्योंकि इसी अदालत में आप ही जज थे और अपने बड़े बेटे राजा के गुनाह की एक मैं ही गवाह थी। और मैंने सच और न्याय की खातिर अपने दोषी बेटे को बलि चढ़ा दिया था। लेकिन आज आज मेरा यह बेटा निर्दोष है। इसका अपराध अगर है तो बस इतना कि इसने अपनी मां जैसी भाभी की इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचाया और अब वही भाभी इसके प्राणों की प्यासी बन गई है। अंबा देवी, अदालत आपके जज्बात की कदर करती है, लेकिन कानून को जज्बात नहीं शहादत चाहिए। प्रभा देवी, जो इस हादसे की शिकार हैं और इस मुकदमे में गवाह भी हैं, अदालत उनकी शहादत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो फिर शहादत की बिना पर आप अपना फैसला करते रहिए जज साहब। मैं अपने बेटे की जान को अंधे कानून के अंधे तराजू में नहीं तुलने दूंगी। मैं संसार की सबसे बड़ी अदालत के सामने फरियाद करूंगी, वो अदालत जहां झूठ और कपट के लिए कोई जगह नहीं, वो अदालत जिसका कानून अंधा नहीं, वो अदालत जहां निर्दोष को सबूत और शहादत की कोई जरूरत नहीं। अब उसी अदालत में मेरा और मेरे बेटे की तकदीर का फैसला होगा। तेरे दरबार में न्याय मांगने आई हूं। एक दिन तेरी ही दी हुई शक्ति से मैंने अपने अपराधी बेटे को तेरे चरणों में बलि चढ़ा दिया था, लेकिन आज आज मेरा सूरज निर्दोष है। सरजू निर्दोष है मां। दुनिया और उसका कानून मेरे निर्दोष बेटे को मुझसे छीन रहे और तू चुपचाप देख रही है। ये तेरा कैसा इंसाफ है? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं दुनिया की अदालत को नहीं मानती, मुझे तुझसे इंसाफ चाहिए। तुझे मेरा बेटा वापस करना होगा, नहीं तो तेरी सौगंध मैं बिना अन्न जल लिए भूखी प्यासी तेरे चरणों में यही अपने प्राण दे दूंगी। शाबाश।
तूने मेरे जलते जख्मों पर संजीवनी लगा दी। मेरा रोम रोम जो सूरज के खून का प्यासा था, तेरी जय जयकार करता है। जो मैं और पिताजी नहीं कर पाए, वो तूने कितनी आसानी से कर दिया ना? अब सूरज फांसी के तख्ते पर अपना दम तोड़ेगा और अंबा भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अब तो ये जान ले, व्रत तोड़ दे मां, तोड़ दे। तुझे मेरी कसम है मां, अपना ये व्रत तोड़ दे। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं सारे संसार को आग लगा डालूंगा, फूंक डालूंगा सारी दुनिया को। प्रभा ने भरी अदालत में
इतना बड़ा और काला झूठ बोला। वो तो चाहती है मैं फांसी पर लटक जाऊं और तू यह दम तोड़ दे। ठाकुरों के झूठ परेब और अत्याचारों का बदला इस तरह भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मत दे मां। तो देवव्रत फिर देख तेरा ये बेटा सूरज उन पापियों से किस तरह उनके अत्याचारों का बदला लेता है। मां अपना ये जानलेवा व्रत तोड़ दे मां, तोड़ दे। मेरा ये व्रत तभी टूटेगा जब मां दुर्गा न्याय करेंगी और तू बिना हथकड़ी के मुझे गंगा जल पिलाएगा। जा वापस चला जा सरजू, तुझे मेरी कसम सरजू वापस चला जा।
बंद करो ये बकवास और दफा हो जाओ यहाँ से। रजत याद रखना, अगर झूठी कसम खाई तो चाचा और दादी तो मरेंगे ही, साथ में तेरा ये बेटा भी अभी और इसी वक्त यही खड़े खड़े मर जाएगा। नहीं रजत नहीं, बेटा फेंक दे इसे, तुझे मेरी कसम। क्यों माँ, कांप क्यों रही है? नहीं रजत बेटा, फेंक दे इसे, फेंक दे। क्योंकि तेरा बेटा मर जाएगा। चाचा भी तो किसी का बेटा है, खा कसम। मैं तेरी कसम नहीं खा सकती बेटा। क्योंकि तू झूठी है। हाँ हाँ मैं झूठी हूँ, मैं पागल हूँ। चल माँ चल, मेरे साथ चल, चाचा और दादी को बचा ले। चल माँ मेरे साथ चल, चल बेटा चल। प्रभा रुक जाओ प्रभा, वरना मैं तेरे बेटे को गोली मार दूंगा। नहीं रणवीर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रभा भाभी मुलजिम सूरज सिंह, वल्ल ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ये अदालत तुम्हें इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत मुजरिम करार देती है। नहीं, नहीं दादा, नहीं, मेरा देवर निर्दोष है दादा, सूरज निर्दोष है, सूरज निर्दोष है दादा, सूरज निर्दोष है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ दादा, सूरज तो मेरा रखवाला है, मेरी इज्जत का दुश्मन तो शमशेर सिंह था, और अगर उस दिन सूरज ने अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत न बचाई होती तो मेरी इज्जत लुटी गई होती। सूरज ने मेरी इज्जत बचाई और वो राक्षस अपनी माँ खुद मारा गया, लेकिन सूरज और माँ अम्मा के इस उपकार का बदला मुझे भाग्य ने यहाँ एक चुनाव झूठ बोल कर दिया। मुझे मैं हूँ जज साहब, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। तो फिर आपने झूठा बयान देकर अदालत को गुमराह क्यों किया? पति की मौत ने मुझे पागल कर दिया था जज साहब, बदले और नफरत की आग में मैं अपनी देवी जैसी सास को अपने पति की हत्यारण समझकर उसके खून की प्यासी हो गई थी। नफरत की आग में मैं ये भूल गई थी कि अगर मैंने अपना पति खोया है तो उन्होंने अपना बेटा भी गवाया है। मैं ये भूल गई थी कि वो सिर्फ मेरी सास ही नहीं, मेरे पति की माँ भी है। नफरत की आग में तभी हुई मेरी इस ममता को आज मेरे छोटे से बेटे ने झंझोड़ के रख दिया। आज जब मैंने अपने बेटे को मौत के मुंह में जाते देखा तो मुझे मालूम हुआ कि बेटे के बिना माँ के जीवन का कोई मोल नहीं, बेटे के बिना माँ माँ नहीं। और मैं अभागत अम्मा माँ से उनका निर्दोष बेटा छीनने जा रही थी। धिक्कार है मुझ पर और मेरी नफरत पर। आ, 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 मुझे माफ कर दो देवर जी, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। चाहे जो चाहे मुझे सजा दे दो, लेकिन मुझे माफ कर दो देवर जी, मुझे माफ कर दो।
मेरा जीवन इस धरती पर सार्थक हुआ। आ मुझ में समा जा।